जय दुर्गे। पौराणिक समाधान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम त्रैलोक्य विजय श्री कृष्ण कवचम का पाठ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं त्रैलोक्य विजय श्री कृष्ण कवचम का पाठ। श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमो नमः। त्रैलोक्य विजय श्री कृष्ण कवचम विनियोगः। त्रैलोक्य विजयस्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्चन्दश्च गायत्री देवो रासेश्वरः स्वयं त्रैलोक्य विजय प्राप्तौ विनियोगः प्रकीर्तितः। कवचम् परात्परं च कवचम् त्रिषु लोकेषु दुर्लभम् प्रणवो मे शिरः पातु श्रीकृष्णाय नमः सदा। सदा पायात् कपालम् कृष्णाय स्वाहेति पञ्चाक्षरः कृष्णेति पातु नेत्रे च कृष्ण स्वाहेति तारकम्। हरये नमः इत्येवं भ्रूलतां पातु मे सदा। ओम गोविंदाय स्वाहेति नासिकां पातु संततम्। गोपालाय नमो गंडौ पातु मे सर्वतः सदा। ओम नमो गोपांगनेशाय कर्णौ पातु सदा मम। ओम कृष्णाय नमः सस्वत् पातु मे धरयुग्मकम्। ओम गोविंदाय स्वाहेति दंतावलिम मे सदावतु। ओम कृष्णाय दंतरंध्रम दंतोर्ध्वं क्लीम सदावतु। ओम श्री कृष्णाय स्वाहेति जिह्वीकां पातु सदा मम। रासेश्वराय स्वाहेति तालुकं पातु मे सदा। राधिकेशाय स्वाहेति कंठं पातु सदा मम। नमो गोपांगनेशाय वक्षः पातु सदा मम। ओम गोपेशाय स्वाहेति स्कंधं पातु सदा मम। नमः किशोरवेशाय स्वाहा पृष्ठं सदावतु। उदरं पातु मे नित्यं मुकुन्दाय नमः सदा। ओम ह्रीं क्लीं कृष्णाय स्वाहेति करौ पादौ सदा मम। ओम विष्णवे नमो बाहु युग्मं पातु सदा मम। ओम ह्रीं भगवते स्वाहा नखरं पातु मे सदा। ओम नमो नारायणायेति नखरन्ध्रं सदावतु। ओम ह्रीं ह्रीं पद्मनाभाय नाभिं पातु सदा मम। ओम सर्वेशाय स्वाहेति कंकालं पातु मे सदा। ओम गोपी रमणाय स्वाहा नितंबं पातु मे सदा। ओम गोपी रमनाथाय पादौ पातु सदा मम। ओम ह्रीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा सर्वं सदावतु। ओम केशवाय स्वाहेति मम केशान सदावतु। नमः कृष्णाय स्वाहेति ब्रह्मरन्ध्रं सदावतु। ओम माधवाय स्वाहेति लोमानी मे सदावतु। ओम ह्रीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा सर्वं सदावतु। परिपूर्णतमः कृष्णः प्राच्यं मां सर्वदावतु। स्वयं गोलोकनाथो मामाग्नेयां दिशि रक्षतु। पूर्णब्रह्मस्वरूपश्च दक्षिणे मां सदावतु। नैऋत्यां पातु मां कृष्णः पश्चिमे पातु मां हरिः। गोविन्दः पातु मां सस्वत्
वायव्याम दिशि नित्यशः उत्तरे माम सदा पातु रसिकानां शिरोमणिः ईशान्यां माम सदा पातु वृंदावन विहार कृत वृंदावनी प्राणनाथः पातु माम ऊर्ध्वदेशतः सदैव माधवः पातु बलिहारी महाबलः जलेस्थले चांतरिक्षे नृसिंहः पातु माम सदा स्वप्ने जागरणे शश्वत पातु माम माधवः सदा सर्वांतरात्मा निर्लिप्तो रक्षं माम सर्वतो विभुः फलश्रुति इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघ विग्रहं त्रैलोक्य विजयं नाम कवचं परमाद्भुतं मया श्रुतं कृष्णवक्त्रात् प्रवक्तव्यं न कस्यचित् गुरुमभ्यर्च्य विधिवत कवचं धारयेत् तु यः कंठे वा दक्षिणे बाहौ सो अपि विष्णुर्न संशयः स च भक्तो वसेदि यत्र लक्ष्मीर्वाणी वसित्ततः यदि स्यात् सिद्ध कवचो जीवन मुक्तो भवेत्तु सः निश्चितं कोटिवर्षाणां पूजायाः फलमाप्नुयात् राजसूय सहस्राणि वाजपेय शतानि च अश्वमेधायुतान्येव नरमेधायुतानि च महादानानि यान्येव प्रादक्षिण्यं भुवस्तथा त्रैलोक्यविजयस्यास्य कलां नार्हन्ति षोडशीं व्रतोपवासनियमं स्वाध्याय अध्ययनं तपः स्नानं च सर्वतीर्थेषु नाश्यार्हन्ति कलामपि सिद्धित्वमरत्वं च दायस्त्वं श्रीहरेरपि यदि स्यात् सिद्धकवचः सर्वं प्राप्नोति निश्चितं स भवेत् सिद्धकवचो दशलक्षं जपेत्तु यः यो भवेत् सिद्धकवचः सर्वज्ञः स भवेद्ध्रुवम् इदं कवचं ज्ञात्वा भजेत कृष्णं सुमन्दधिः कोटिकल्प प्रजप्तोपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः गृहीत्वा कवचं वत्स महिम्निः क्षत्रियां कुरु त्रिः सप्त कृत्वो निःशङ्कः सदानन्दो वलीलया राज्यं देयं शिरोदेयं प्राणादेयाश्च पुत्रक एवं भूतं च कवचं न देयं प्राणसंकटे इति श्री ब्रह्मवैवर्तपुराणे तृतीये गणपतिखण्डे नारद नारायण संवादे परशुरामाय श्रीकृष्णकवचप्रदानम् त्रैलोक्य विजय श्री कृष्ण कवचम संपूर्णम् ओम श्री गणेशाय नमः श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमो नमः। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। आपके अपनी चैनल पौराणिक समाधान को सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। हमारे इस वीडियो या हमारी किसी भी वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी या सुझाव देना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के अवश्य बताएं। हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं तथा अपने इष्ट देव की जय लिख करके हमें कमेंट अवश्य करें जिससे कि हमें आगे वीडियो बनाने के लिए हमारा मनोबल बढ़ता रहे। माँ भगवती की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदैव बनी रहे। जय दुर्गा।